पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पाकिस्तान की आईन और कायदे आजम की अपनी विजन के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी बराबर है और बराबर के हकूक रखता है, विच इंक्लूड आवर रिलीजियस माइनॉरिटी द वाइट इन आर फ्लैग। इनफैक्ट अगर हम पाकिस्तान के आईन को कोट करें तो आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी शख्स जो एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हो, अपनी नस्ल, मजहब, जात, जिंस, रिहाइश या पैदाइश की जगह की वजह से उसके साथ कोई भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। हमारे मुल्क का आईन हर शहरी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको डिस्क्रिमिनेशन और तासुब की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। एज यू कैन सी, कुछ लोगों को आपके बराबर आने के लिए भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। सिंस हमारी सोसाइटी के कुछ तबके डिस्क्रिमिनेशन और तासुब की वजह से ज्यादा डिसएडवांटेज्ड हैं, इसीलिए हम उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देकर उनको एक्चुअली बराबर की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द लिंक हियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन कोटा पर और किस तरह ये जॉब कोटा के साथ लिंक है। वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम या वेलकम बैक टू मार्टी। हम लोग पाकिस्तान के बारे में कंटेंट बनाते हैं और आप तक वो कहानियां पहुंचाते हैं जो आपको मेनस्ट्रीम मीडिया पर नहीं नजर आती। हम पूरे पाकिस्तान से वीडियो कॉरेस्पॉन्डेंट्स को ट्रेन करते हैं और उनकी वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। इसके अलावा हम एक्सप्लेनर वीडियोस और पॉडकास्ट भी करते हैं। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू। एनीवेज, बैक टू आवर वीडियो। हमारे आईन के आर्टिकल 25A के मुताबिक 16 साल की उम्र तक तमाम बच्चों की तालीम हुकूमत का फर्ज है, लेकिन यूनिसेफ, विच मीन्स यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 16 स्कूल नहीं जा रहे, और ये एजुकेशनल डिवाइड हमारी बच्चियों और मजहबी अकलियतों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के अंदर शामिल हैं। और इसी एजुकेशनल डिवाइड की वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमें 5% जॉब कोटा मिला भी है, उससे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रही। नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन की रिसर्च के मुताबिक मजहबी अकलियतों के लिए नौकरियों की सप्लाई तो क्रिएट कर दी गई है, लेकिन डिमांड नहीं है। पंजाब पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की रिसर्च के मुताबिक 2016 में रिलीजियस माइनॉरिटीज की जॉब्स में 53% वेकेंसीज थी, जिसका ये मतलब है कि आधी से ज़्यादा सीट्स को पूरा फिल ही नहीं किया गया था। अब ऐसे क्यों हो रहा है? इसकी एक से ज़्यादा वजूहात हैं जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। सीरियसली गाइस, क्लिक द लिंक। लेकिन वन मेजर रीज़न इसके रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले नौजवानों के पास एक्सेस टू एजुकेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से वो नौकरियों के लिए क्वालिफाई हो सके। लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए 2% एजुकेशन कोटा डिक्लेयर किया है। ये 2% एजुकेशन कोटा हमारे तमाम सूबों पर अप्लाई होता है, लेकिन अभी सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने इसको इंक्लूड करना शुरू किया है। तो अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप हर पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी में इस कोटे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कोटा को फेडरल लेवल पर अप्रूव कराने के लिए और प्रोविंशियल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से कम्युनिटी लीडर्स और एक्टिविस्ट ने एफर्ट किया है, और आज इस एक्सप्लेनर वीडियो को भी मैं इन लोगों के साथ बना रही हूँ। So let's hear from them. So job quota है ये according to constitution article 36 or 37 ये कहता है कि जो minorities हैं या जो जो तबका जो पीछे रह गए हैं, state की responsibility है कि उनको भी main stream में लाने के लिए जो है वो state एक quota देगी। और हम चाहते हैं कि दूसरे जितने भी सूबे हैं जहाँ पर ये कोटा या एजुकेशन पे कोटा नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में भी ये सेम कंडीशन है और हमारे जो केपी है उधर भी ये कंडीशन है, फेडरल लेवल पे भी ये है, तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान में
इनमें 2% और 5% कोटा होना चाहिए। एजुकेशन इस वक्त जो है, इस सूरत हाल में जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है या दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें तालीम सबसे बड़ा हथियार है हमारा, जिससे हम पावर्टी से भी लड़ सकते हैं, जिससे जो है वो भूख से भी लड़ सकते हैं, जिससे हम जो है वो तरक्की भी कर सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने के नए रास्ते भी ले सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के बाकी सूबों से है तो आप भी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ इस कोटे के लिए लॉबी और डिमांड कर सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी बनी हुई है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जरूरतमंद है, जो इस कोटे पर पूरा उठ सकता है और फायदा उठा सकता है, तो प्लीज उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं। यूनिवर्सिटीज की भी जिम्मेदारी है कि वो इस एजुकेशन कोटा को अपने इश्तिहारों में मेंशन करें। इसके साथ साथ आप इस हक को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉबी कर सकते हैं और कोर्ट तक भी जा सकते हैं। वी ऑल डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स एंड एजुकेशन। जब हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर पाकिस्तानी के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे तो हमारा मुल्क ही तरक्की करेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू एंड विद अ कोट ऑफ कायदे आज़म, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बट आई थिंक इट सम्स अप द एंटायर पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर। नो सिविलाइज्ड गवर्नमेंट कैन बी रन सक्सेसफुली विदाउट गिविंग माइनॉरिटीज अ कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। दे मस्ट बी मेड टू फील दैट दे हैव अ हैंड इन गवर्नमेंट एंड टू दिस एंड मस्ट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन इट। पाकिस्तान विल गिव इट। Hashtag support job and education quota for religious minorities. Main hoon Rishi Museen. Thank you so much for watching this video. For further details about this topic or aap log kis tarah involve ho sakte hain, there are links in the description. Zaroor hame bataiye ki aapko ye video pasand aayi, nahi pasand aayi, what would you like us to talk about in the future. And please Maati TV dekhte rahiye, please like, share and subscribe. Thank you.